जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों हम कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं और उसी पुस्तक का प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का हम अध्ययन करते जा रहे हैं। उसी अध्ययन के क्रम में हमने शुरुआत देखी है कि किस प्रकार से हमारा जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति है, उस प्राचीन संस्कृति में हमें सोने की चिड़िया कहा गया, हमारे वेदों को विश्व का ज्ञानकोश कहा गया। फिर उसके बाद हमने भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की बात कर ली। अब मौर्य साम्राज्य में हमने मौर्य साम्राज्य के कुछ महान राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि की बात की है। अशोक से संबंधित हमने अभिलेख पढ़े। मौर्य कालीन हमने कुछ साहित्यिक लेख जिसमें अर्थशास्त्र और इंडिका से संबंधित जानकारी है वो देखी, और उसके बाद हमने उनका प्रशासन देखा। और प्रशासन में भी हमने देखा कि किस प्रकार के उनके न्यायालय थे, किस प्रकार की उनकी सेनाएं थी, किस प्रकार का उनका टैक्सेशन सिस्टम था, ये सब हमने देखा। अब आज दोस्तों हम देखेंगे उससे आगे आपके इसी अध्याय से संबंधित जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसी में मौर्य साम्राज्य के बाद अगला वंश आएगा। जो मौर्य वंश के बाद वो आएगा शुंग वंश। क्या आएगा? शुंग वंश। जैसे मैंने आपको बताया था कि 185 में 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ये कौन था? ये अंतिम मौर्य सम्राट। देखिए जो पुष्यमित्र शुंग था ये कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, यानी मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, का सेनापति था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। अब ये बृहद्रथ जो है ये बौद्धों को अधिक आश्रय दे रहा था, एक योग्य शासक नहीं था। पुष्यमित्र शुंग ने इस बात को देखा कि ये क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय दे रहा है, साथ में एक योग्य शासक भी नहीं है, अपने राज्य का ध्यान नहीं रख रहा है, तो इसने इस बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की क्या की दोस्तों? हत्या। और हत्या करके ये क्या बन गया? नया राजा बन गया। क्या बन गया? नया राजा। और इसने क्या कर दी? शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना कब कर दी? 185 ईसा पूर्व में। अब इसने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी, बृहद्रथ को मार दिया। इसे कहा गया ब्राह्मण क्रांति। क्या कहा गया? ब्राह्मण क्रांति। क्योंकि ये जो पुष्यमित्र शुंग है या ये शुंग वंश है ये क्या था? ये ब्राह्मण धर्म का प्रश्रयदाता कहलाया, ब्राह्मण धर्म का प्रश्रयदाता कहलाया। मतलब जब मौर्य वंश चल रहा था तो ब्राह्मण धर्म कहाँ आ गया था? हाशिए पे। देखिए ब्राह्मण धर्म में क्या था कि एक समय ब्राह्मण धर्म बहुत उच्च स्थिति पे था, यानी पूजा पाठ जो हमारी भक्ति थी वो टॉप लेवल पे थी। फिर हुई कुछ धार्मिक क्रांति जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ अन्य संप्रदाय प्राचीन भारत में नए नए आए, उन्होंने कुछ धार्मिक क्रांति की जिससे आपका जो ब्राह्मण धर्म है ये हाशिए पे चला गया। आप इसको ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, साथ में आप इसे वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, वैदिक धर्म या आस्तिक धर्म। देखिए आस्तिक और नास्तिक ये दो चीजें होती हैं, आप लोगों को बताया गया होगा आपसे पहले। देखिए एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक, ठीक है। एक व्यक्ति आस्तिक और एक व्यक्ति नास्तिक। कोई कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल गलत कहता है। जो कोई आपसे ये कहता है कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो बिल्कुल गलत कहता है। जो कोई आपसे कहता है कि आस्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास करता है ये भी गलत कहता है। आस्तिक कौन है?
जो वेदों से संबंधित आत्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास, वेदों से संबंधित आत्मा में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, यानी जो हमारे वेद हैं और वेदों के अंदर जो आत्मा का अस्तित्व बताया गया है, वेदों के अंदर एक आत्मा का अस्तित्व बताया गया है कि एक आत्मा होती है, दिव्य पुंज होता है, वो शरीर को छोड़ देता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो उसमें जो विश्वास करता है इन सब बातों में वो व्यक्ति क्या कहलाया? आस्तिक। और जो इनमें विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। देखिए जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म क्या करता है? आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है फिर भी नास्तिक धर्म है। जैन धर्म जो है आपका वो आत्मा में पूर्ण रूप से विश्वास करता है फिर भी नास्तिक धर्म है। यहां तक कि जैन धर्म की जो आत्मा है ना दोस्तों, वो तो आपके वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट है। कैसे है वो उत्कृष्ट? क्योंकि हम तो केवल जीव मात्र में आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। जो आप और मैं वैदिक धर्म से संबंधित हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीव मात्र में आत्मा का क्या मानते हैं? एग्जिस्टेंस मानते हैं। लेकिन जो जैन धर्म है वो प्रत्येक वस्तु में क्या मानता है कि इसमें क्या है? आत्मा है। प्रत्येक वस्तु में क्या मानता है? वो आत्मा, चाहे वो वस्तु कैसी हो, सजीव हो या निर्जीव हो। तो इस प्रकार आपके पुष्यमित्र सुंग ने वृद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दी 185 ईसा पूर्व में। इसको क्या कहा गया? ब्राह्मण क्रांति कहा गया। ब्राह्मण धर्म का ये प्रश्रयदाता कहलाया और इसे वैदिक धर्म या आस्तिक धर्म भी कहते हैं। तो ये बात हो गई आपके इस पुष्यमित्र शुंग की। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग राजा तो बन गया। राजा बनने के बाद इसने क्या किया? इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए? अश्वमेध यज्ञ। तो हम उनको देख लेते हैं एक बार, ये अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं आपको कुछ बताएंगे कोई? अश्वमेध यज्ञ, लेकिन वो मेघ नहीं होता, अश्वमेध यज्ञ कहलाता है वो, ठीक है। अब अश्वमेध यज्ञ जो है वो क्या तो होता है, कैसे इसने करवाया और उस यज्ञ को क्या कहते हैं ना कि उस यज्ञ का संपादन करवाने वाला कौन था, उस यज्ञ को किसने करवाया, वो अनुष्ठान किसने पूर्ण करवाया? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए, यज्ञ किए, ठीक है। इनका अनुष्ठान, इनका अनुष्ठान इसके पुरोहित पतंजलि ने करवाया। किसने करवाया? पतंजलि ने करवाया। पतंजलि मतलब आप ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि मत समझ लेना, ठीक है। इसने इसका क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब इस पतंजलि ने क्या है? महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य की रचना। और इसी में इन्होंने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अब देखिए एक बार सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसने कितने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब इनका साहित्यिक उल्लेख है महाभाष्य में, यानी ये महाभाष्य क्या है? एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। और इसमें क्या है? संस्कृत वैयाकरण। मतलब ये संस्कृत वैयाकरण पर पुस्तक है महाभाष्य, और वैयाकरण के एक महान विद्वान है पतंजलि। पतंजलि ही क्या थे? इनके
पुरोहित थे, मतलब इनके क्या थे, पंडित जी थे जो पूजा पाठ करवाते थे। और महाभाष्य इनकी क्या है, स्वयं की रचनाएं लिखी हुई है। ये किस पर आधारित है, संस्कृत वैयाकरण पर आधारित है। अब देखते हैं हम अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों, एक राजा क्या करता है, अपना क्षेत्र विस्तार के लिए यज्ञ करता है। तो राज्य क्षेत्र विस्तार हेतु किया गया धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, आपके राज्य क्षेत्र के विस्तार हेतु, किसके विस्तार हेतु, राज्य क्षेत्र के विस्तार हेतु किया गया एक धार्मिक अनुष्ठान। अब मैं बताता हूं आपको कि ये किस प्रकार किया जाता था। पहले तो आप सभी लोगों ने जहां तक है रामायण देखी होगी, और रामायण में जो उत्तर रामायण में आप सभी को लवकुश कांड दिखाया गया है ना मित्रों, तो उस लवकुश कांड में आपने देखा होगा कि वो दोनों बच्चे लव और कुश एक घोड़े को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये राजा रामचंद्र का घोड़ा है जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अश्वमेध यानी एक घोड़ा है जो क्या करेगा, क्षेत्र को चीरता जाएगा, मतलब वो जिस क्षेत्र में चलता जाएगा वो उस राजा का क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई भी उस घोड़े को अपने क्षेत्र में रोक लेता है, पकड़ लेता है, तो उस क्षेत्र में, जैसे हुआ ना कि रामचंद्र जी का घोड़ा लवकुश के उस आश्रम तक पहुंच गया जहां वो रहा करते थे अपनी माता के साथ, तो उस जगह पहुंचने के बाद कहां पर, उस आश्रम तक तो लवकुश ने उसे पकड़ा, फिर बाद में युद्ध भी हुआ था, भरत ने किया, लक्ष्मण ने किया, सब आपने देखा है। तो उसी प्रकार क्या होता था कि ये जो राजा है जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, चाहे वो आपका पुष्यमित्र सुंग हो या अन्य कोई हो, तो वो जब यज्ञ करवा रहा है तो इसके द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाएगा और वो घोड़ा एक क्षेत्र में क्या है, घूमेगा। अगर उस क्षेत्र में उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उसे इस पुष्यमित्र सुंग की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो उसको ये देखना होता था कि अगर ये घोड़ा मेरे यहां से चला गया तो मैं पुष्यमित्र सुंग का क्या हो जाऊंगा, सेवक हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, सेवक हो जाऊंगा। तो इस प्रकार क्या है, राज्य क्षेत्र के विस्तार हेतु, यानी आप अपने राज्य के विस्तार हेतु क्या कर रहे हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान, जिसको क्या नाम दे दिया, अश्वमेध यज्ञ दे दिया। क्या नाम दे दिया, अश्वमेध यज्ञ। इसके अलावा दो और प्रकार के यज्ञ वैदिक काल में हुआ करते थे, राजसूय और वाजपेय, राजसूय और वाजपेय यज्ञ। ठीक है, ये तीन प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय। तो ये यज्ञ किसने करवाया था, इसका पुष्यमित्र सुंग का यज्ञ करवाया था इसी के पुरोहित पतंजलि ने किसकी रचना की, महाभाष्य की रचना की। और महाभाष्य किस पर आधारित है, संस्कृत वैयाकरण पर प्रसिद्ध ग्रंथ। ये बात हो गई आपके किसकी, पुष्यमित्र सुंग की। अब देखिए पुष्यमित्र सुंग ने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह आपके सब पुस्तक में ही लिखा हुआ है, बस आपको समझना है कि इसने 185 से शासन करना शुरू किया था, 151 तक शासन किया, मतलब लगभग 34 वर्ष इसका क्या है, टाइम पीरियड रहा इसने शासन किया। अब इसके बाद क्या होता है कि पुष्यमित्र सुंग के बाद कुछ अकर्मण्य या अयोग्य राजा आते हैं। तो अब वो अयोग्य राजा कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके उत्तराधिकारी जो इसके उत्तराधिकारी हैं कौन कौन से, इसके बाद राजा हुए, उसमें है अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। अग्निमित्र, अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, ठीक है, एक आपका भद्रक, एक है भागवत और एक है देवभूति। तो ये क्या है, इसके उत्तराधिकारी हैं जो इसके बाद हुए हैं। आगे कह रहा है कि देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से
उतार दिया। लगभग 73 ईसा पूर्व में इसका आमात्य है। अंतिम सम्राट कौन है इसका सुंग वंश का? देवभूति। तो देवभूति को 73 ईसा पूर्व में उसके आमात्य क्या होता है? मंत्री ने सिंहासन से उतार दिया। मतलब कुल मिला के इसको हरा दिया, हटा दिया, और अब स्वयं ने क्या है, उसने सत्ता धारण कर ली। तो ये आपके शुंग वंश की छोटी सी कहानी है। शुंग वंश में अगर प्रश्न बनता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, दसवीं क्लास के लेवल पे हो, प्रश्न एक ही होगा कि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित। तो पुष्यमित्र सुंग ने किसकी हत्या की थी? वृद्रथ की हत्या की थी। ये ब्राह्मण धर्म का क्या था? प्रश्रयदाता था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसका अनुष्ठान पतंजलि ने करवाया था। अगर पूछेगा आपसे तो आपको ये सब लिखना है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। इसने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है। और आपके इसने अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो से सुंग वंश में पूछा जाएगा। इन देवभूति वगैरह के किसी का आज तक कोई प्रश्न नहीं बना है। देवभूति जैसे प्रश्न पूछने के लिए कम से कम नेट का एग्जाम देना अनिवार्य होगा। नेट से नीचे तो कोई पूछेगा ही नहीं इनके बारे में, चाहे भले ही से आपकी पुस्तक में लिख रहा है, लेकिन या तो बिल्कुल डिट्टो ही यहां से प्रश्न उठा के डाल दिया जाएगा तो ही पूछा जाएगा, अनलेस बहुत कम चांसेज है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम सातवाहन वंश की, ठीक है। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। कब की थी? 60 ईसा पूर्व के आसपास। कब की थी आपके? 60 ईसा पूर्व के आसपास की थी, ठीक है। अब इसी में क्या है, सातवाहन वंश में कुछ राजा होंगे जो काफी शक्तिशाली होंगे, जैसे सातकर्णी होगा आपका, सातकर्णी प्रथम। तो ऐसे कुछ राजा होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है ना अपना, वहां पे सिमुक ने क्या है, सातवाहन वंश की नींव रखी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं सातवाहन वंश, ठीक है दोस्तों। स्थापना सिमुक ने कब की? 60 ईसा पूर्व, ठीक है। कहां की? आंध्र में गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य, ठीक है। इसी सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहते हैं आपका जो ये सातवाहन वंश है, ठीक है। अब सिमुक का राज्यकाल जो है 37 तक माना जाता है। तो सिमुक ने की और 60 से लेके 37 ईसा पूर्व तक, ये क्या है, इसका सिमुक का टाइम पीरियड रहा। इसके उपरांत अब आएगा आपका सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम के बारे में कहा है कि सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। अगला राजा हम देखते हैं सातकर्णी प्रथम, ठीक है। अभी जो सातकर्णी प्रथम है ना मित्रों, तो इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। अब बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ दक्षिण तक सार्वभौम सत्ता की स्थापना,
ठीक है, दक्षिण तक इसने सार्वभौम सत्ता की स्थापना। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सार्वभौम सत्ता मतलब जो भारत का ये जो दक्षिण का एरिया है, ये वाला जो अंडर नीचे यहाँ से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वाला जो दक्षिण का एरिया है ना हिंदुस्तान का, इस सारे एरिया पर, ये इधर भी लेकर के ये, तो इस सारे एरिया पर इसकी सार्वभौम सत्ता की स्थापना हो गई। मतलब भले ही से यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश हैं, लेकिन वो राजवंश सभी किसके झंडे के नीचे कार्य करते हैं, आपके सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम के झंडे के नीचे ही कार्य करते हैं। जिसे हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान 28 राज्यों में बटा हुआ है वर्तमान में, तो 28 राज्य जरूर है, लेकिन उन सभी राज्यों का एक ही जो राष्ट्रीय झंडा है वो क्या है, वो आपका तिरंगा है। देखिए 28 राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन वो किसके अंडर काम कर रहे हैं, वो इस झंडे तिरंगे के अंडर काम करते हैं, या फिर अगर उनका एक राष्ट्रीय हेड है तो वो कौन है वर्तमान में, वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। वैसे ही उस समय के हिसाब से उनका जो नेशनलिस्टिक हेड था, राष्ट्रीय प्रमुख था, वो प्रमुख कौन हो जाता था, वो प्रमुख हो जाता था मित्रों आपके सातकर्णी प्रथम। कौन हो जाता था? सातकर्णी प्रथम। अब आगे हम देखते हैं, सातकर्णी प्रथम ने एक नगरी की स्थापना की थी जिसका नाम था प्रतिष्ठान या आधुनिक पैठन। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या है? गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान क्या है? प्रतिष्ठान क्या नाम है? प्रतिष्ठान मतलब ठीक है, यहां पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से नीचे है आपका ये आंध्र प्रदेश का एरिया, तो आंध्र प्रदेश में यहां पर राज्य गोदावरी नदी बह रही है और गोदावरी नदी के तट पर ही एक स्थान है, स्थान का नाम है प्रतिष्ठान। आधुनिक काल में यानी अब वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पैठन। क्या कर दिया गया है? नाम पैठन। तो ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। किसकी? आपके सातकर्णी प्रथम की। इसके बाद है आपके सातवाहन वंश का। देखिए नया शासक आएगा आपके पास गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए एक तो ये जो आपके सातवाहन वंश है ना, इसने सबसे अच्छी जो बात चलाई थी ना अपने जीवन में, तो इसके शासकों ने, देखिए हम सब भी अगर अपने नाम में नाम जोड़ते हैं किसी का तो अपने पिता का नाम जोड़ते हैं, लेकिन इस सातवाहन वंश के शासकों ने अपने नाम में क्या नाम जोड़ा है? माता का, गौतमी पुत्र, यानी गौतमी का पुत्र। और नाम क्या है उसका? सातकर्णी। क्या नाम है? सातकर्णी। यानी ये पुत्र किसका है? गौतमी का पुत्र है। इसकी माता का नाम क्या है? गौतमी है। यानी ये स्वयं को किसके नाम से संबोधित कर रहा है? अपनी माता के नाम से। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर अपने सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः सत्ता स्थापित की। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, अब अगला आया है आपके सामने राजा, उसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। देखिए उसका खुद का नाम पुलुमावी है लेकिन माता का नाम वशिष्ठी है, तो उसने लिखा है कि मैं वशिष्ठी पुत्र हूं, नाम मेरा पुलुमावी है। इसने उज्जैन के छक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। ने उज्जैन के छक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से विवाह। मतलब ये रुद्रदामन एक काफी महत्वपूर्ण राजा है जिसकी पुत्री से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने विवाह किया। मतलब देखिए इन्होंने यहां से अपनी सत्ता पुनः स्थापित की थी और यहां तक आते आते ये
वशिष्ठ पुत्र पुलोमावी तक आते आते ये इतने ज्यादा क्या हो गए थे, योग्य हो गए थे कि अब बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियों से क्या करने लगे हैं, विवाह करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला है यज्ञश्री सातकर्णी। क्या नाम है? यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी हो गया, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी हमने पढ़ लिया। तो इन सब लोगों ने क्या किया है दोस्तों, इन सब लोगों ने अपने अपने वंश को वृद्धि दी। क्या की? वृद्धि दी, अपने वंश को आगे बढ़ाया, और ये कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए। अब अगला राजा है आपके सामने इन्हीं का, यज्ञश्री सातकर्णी। हम पढ़ रहे हैं अभी आपके सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश में वैसे मैंने पढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो चैनल पर भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट है, जिसमें पूरा वीडियो दिया हुआ है मौर्योत्तर काल का, उसमें इन सब का वर्णन है, तो वहाँ से आप देख लेना। अब अगला है आपके, यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में किया। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, पुनः सत्ता विस्तार, मतलब जो रुद्र दामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से अपनी पुत्री का विवाह किया और उससे कई सारे भूभाग ले लिए थे ना, उन्हीं को अब इस यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या है, जीत करके उन भूभागों को, मतलब जमीन के टुकड़ों को, टुकड़ों से मतलब जो उसका क्षेत्र था उसको क्या है, पुनः हासिल कर लिया, अपने वंश कीर्ति में वृद्धि की। इसने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, इसने, ठीक है, कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। और ये जो कई प्रकार की मुद्राएं चलाई ना, इस पे, इन मुद्राओं पर जलपोत अंकित है, जलपोत अंकित है, जलपोत समझ रहे हैं ना, शिप। क्या है? शिप। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है जलपोत, तो जलपोत क्या होता है? शिप यानी पानी का जहाज। आगे लिख रहा है कि इनसे ये जलपोत है ना, अब ये जलपोत क्या बताएगा, इससे क्या प्रतीत होता है कि साम्राज्य विस्तृत था, साम्राज्य विस्तृत था। मतलब एक तो देखिए, हमें बड़े साधनों की आवश्यकता कब होती है, जब हमें बहुत दूर जाना होता है। जलपोत की आवश्यकता कब होगी, जब हमें समुद्र में कुछ बड़ा कार्य करना होगा, वरना छोटी छोटी नौकाएं भी हो सकती हैं। अब जहाज में और नौकाओं में तो बहुत अंतर होता है, तो उसके सिक्कों पर जलपोत अंकित है, इसका मतलब क्या है कि वो साम्राज्य का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। ठीक है, अब आगे है दोस्तों इसके बाद कि ये सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो यही है कि सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के अनुयायी सभी शासक। ठीक है, आगे है कि ये वैदिक यज्ञ और समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था को इन्होंने प्रतिष्ठापित किया। देखिए, इन्होंने क्या किया है, समाज में, ठीक है, समाज में क्या किया इन्होंने, वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ व वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम व्यवस्था को क्या किया, प्रतिष्ठित किया, प्रतिष्ठित किया। ठीक है, अब ये आपके लिखा हुआ है, आप समझ गए, लेकिन कुछ चीजें भी आप नहीं समझे होंगे। जैसे वैदिक यज्ञ, यानी आज जो हम हवन वगैरह करवाते हैं, यज्ञ वगैरह, तो ये तो सब क्या हो गया, कर्मकांड के द्वारा जो हो रहा है, वैदिक यज्ञ। अगला इसने शब्द लिखा है वर्ण आश्रम व्यवस्था, यानी दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक है वर्ण व्यवस्था,
और एक है आपकी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्थाओं में इसने चार वर्ण माने हैं, ठीक है। चार वर्णों में आपके क्या है, चार वर्ण है, चार वर्णों में आपके एक तो आ गया आपका ब्राह्मण, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया आपका वैश्य और एक हो गया आपका शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये हमारे वैदिक समय की कुछ व्यवस्थाएं हैं। आश्रमों की व्यवस्था हम देखते हैं तो सबसे पहले है आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। उसके बाद आपकी गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम और फिर आपके संन्यास आश्रम। ठीक है, ये हमारी चार क्या है, आश्रम व्यवस्था है और चार ही क्या है, वर्ण व्यवस्था है। अब देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की हमें क्या आवश्यकता पड़ी है और आश्रम व्यवस्था की हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे जो पहले के विद्वान हैं या वैदिक ग्रंथों के रचयिता हैं, उन्होंने व्यक्ति की एक जो आइडियल एज क्या है मानी है आपके 100 वर्ष। क्या मानी है, 100 वर्ष, कि भाई एक व्यक्ति अमूमन 100 वर्ष तक जिंदा रहता है और बिल्कुल उस समय रहता भी था। तो इन्होंने 0 to 25 years, ये जो है ना, ये तो मान लिया ब्रह्मचर्य के लिए। आगे 26 से 50 years ये मान लिया गृहस्थाश्रम के लिए, 51 से 75 years ये जो टाइम पीरियड है इसकी उम्र का, ये मान लिया इन्होंने वानप्रस्थ के लिए, और 76 से 100 के लिए इन्होंने कहा है कि आप लीजिए सन्यास। अब ये क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कीजिए, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में आप शिक्षा लेंगे, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में आप नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान लेंगे, ठीक है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में आप जानेंगे कि आपको धन एकत्रीकरण के कौन कौन से कार्य करने हैं, ये सब शिक्षाएं, आपका धर्म क्या है, आपकी नीति क्या है, आपको किस प्रकार से किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सब बातें सीखते हैं। उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है गृहस्थाश्रम, यानी 25 वर्ष की उम्र के बाद बालक की क्या है, विवाह कर दिया जाता है और विवाह के बाद वो गृहस्थाश्रम में रहता है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए वो अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। देखिए, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन क्या हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चार क्या हैं हमारे, चार ये हैं हमारे कुल गुण हैं। तो अब इसमें से हमने गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। धर्म मतलब हमें जो कार्य करना है वो किस प्रकार से करना है, क्या कार्य करना है। धर्म मैंने पहले भी बताया था कि धर्म का मतलब ही क्या है, धारण करना। अर्थ, अर्थ यानी उसका अर्थ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका मीनिंग क्या है, जो हम अर्थ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उस अर्थ को क्या है, हमें जीवन का अर्थ समझना है। अर्थ से संबंधित हमें पैसे से संबंधित चीजें सीखनी है कि हम किस प्रकार से मनी क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, किस प्रकार से हम धन कमाएंगे, धन कमा करके हम कुछ कार्य करेंगे। तीसरा है काम, काम यानी अपने शरीर को शांत करने वाली कुछ क्रियाएं करना, और उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, और संतान उत्पत्ति करने से वो क्या है, कुछ ऋणों से मुक्त होता है, जिसमें पितृ ऋण होता है उससे क्या होता है, वो मुक्त होता है। ये चीजें मैं सभी आपको जब कंपटीशन क्लास पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। फिर उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम की, अब 50 वर्ष हो गए, अब आप वन में चले जाओ, कंदमूल खा के अपना गुजारा करो। और फिर अंतिम है सन्यास की, अब तो आप कंदमूल से भी सन्यास ले लो और प्रभु की भक्ति में लग जाओ, तो आपके 100 वर्ष क्या है, पूर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक वर्ण व्यवस्था है जिसमें चार वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, और यह सिद्धांत दिया गया आपके ऋग्वेद के
दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के दसवां मंडल है, चार्वेद है ना, उसमें जो ऋग्वेद है उसका दसवां मंडल है, उसके पुरुष सूक्त में कहा गया है कि चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहा है कि एक बहुत ही विराट मनुष्य है, एक ऐसा विराट मनुष्य है, बहुत बड़ा बाहुबली टाइप का, बहुत ही बड़ा, उस व्यक्ति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ ये सब कार्य करवाएगा, क्षत्रिय क्या है जो रक्षा करेगा इनकी, वैश्य वो है जो कुछ कार्य करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, मजदूरी करेगा, वो सब वैश्य है, जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है वो वैश्य है, और शूद्र क्या है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो इस वर्ण और आश्रम व्यवस्था को यज्ञ श्री शातकर्णी या फिर आपके कहें कि पूरे ही सातवाहन वंश के शासकों ने पुनः इसको स्थापित किया। आगे है कि ये विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे, इन्होंने बौद्ध जैन विहार और उपाश्रय को भी प्रभुत अनुदान दिए, ठीक है, वाणिज्य व्यापार वगैरह हो गए। अब इनके समय में तांबे, सीसे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। हमें ये इम्पोर्टेंट बात देखनी है कि सातवाहन वंश के समय कांच की मुद्राएं, सीसे की मुद्राएं जो थी ना, ये सातवाहन वंश के समय ही क्या है चली थी, तो ये हमें देखना होगा। सातवाहन वंश के समय आपके सीसे की क्या है मुद्राएं चली थी, पोटीम की ठीक है, शीशे की, ये क्या है आपके कुछ मुद्राएं चली थी। तो हम देख लेते हैं कि चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ, ठीक है, इन्होंने, इन शासकों ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि को प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन समझ रहे हैं ना, अनुदान दे दे करके उनको आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, ठीक है, चांदी, तांबे, कांसे तथा शीशे की मुद्राएं, मुद्राओं का परिचलन किया। देखिए शीशे की मुद्रा का परिचलन सातवाहन शासकों ने किया था। मुद्रा समझते हैं ना आप, मुद्रा होती है एक ऐसी अधिग्रहा मुद्रा कह दे या कोई वस्तु कह दे जिसे प्रत्येक व्यक्ति क्या है ग्रह कर लेता है। जैसे आप 10 रुपए का नोट लेके जाते हो तो होता तो कैसा है, वो कागज जैसा नोट होता है, और ऐसे थोड़ी है किसी और कागज को दुकानदार नहीं ले लेता, उसी को क्यों लेता है, क्योंकि वो विधि ग्राह मुद्रा है, वो भारत सरकार ने जारी की है। तो उसी प्रकार से पहले इन राजाओं ने ऐसी मुद्रा जारी की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सर्वप्रथम, सबसे पहले सातवाहनों ने ही किया था, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया। भूमि अनुदान से मतलब यह है कि ब्राह्मण इनके यहाँ कोई कार्य करवाते थे तो उसको दक्षिणा ना दे करके कह देते थे कि महाराज ये गांव आपके नाम कर देते हैं, इस गांव से जो भी कृषि होगी, जो भी मिलेगा वो आपको मिलता रहेगा, इस गांव से 100 रुपए की आय होगी तो वो भी आपकी, 1 लाख की होगी तो वो भी आपकी, ठीक है। इन्होंने कार्ले का चैत्य बनवाया था, क्या है कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य बनवाया था, ठीक है, और ये कार्ले का जो चैत्य है ना ये है 40 मीटर लंबा व 15 मीटर ऊंचा
चैत्य वास्तुकला का अनुपम उदाहरण, अनुपम उदाहरण। मतलब देखिए चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल, बौद्धों का पूजा स्थल। जैसे अपने मंदिर होता है ना, जैसे हिंदुओं के मंदिर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या नाम है, मुस्लिमों के मस्जिद होता है, वैसे बौद्धों के चैत्य पूजा स्थल होता है। कार्ले क्या है, स्थान। कार्ले क्या है, स्थान। इस कार्ले नामक स्थान पर एक चैत्य बनवाया था जो कि वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। तो ये हो गया आपके शुंग वंश और सातवाहन वंश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं आप लोगों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही आपको पढ़ाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में भारतीय इतिहास क्लिक कीजिए और भारतीय इतिहास में आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको जो है आपका इतिहास है ना वहां कंप्लीट मिल जाएगा, कहां से लेकर के सिंधु सभ्यताओं से लेकर के और हम आधुनिक भारत तक आ चुके हैं। तो आपको सारा इतिहास मिल जाएगा, आप पढ़ना जो भी चाहेंगे वो सब मिल जाएगा। आपके एक छोटे से अध्याय में मैंने जो उसमें बहुत लंबे टाइम में पढ़ाया वो इसे एक अध्याय में दे रखा है। मटेरियल थोड़ा कम दे रखा है और 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो वो है बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से हमारा वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करेंगे, जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है आपको उसे क्लिक करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों घर पर बने रहना, घर ही रहिए अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है जिसके कारण आप लोगों की स्कूल बंद पड़ी हैं, और उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग घर बैठे मेरी ये जो कोशिश है इसको पढ़ाई के रूप में आप साकार कर रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ जिसमें बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। धन्यवाद।